जय श्री कृष्ण मित्रों, श्री शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम आपको ग्रहों की दृष्टियों के बारे में बताएंगे कि ग्रह किस भाव में बैठी हो और कहाँ कहाँ पर दृष्टि दे बैठे तो कहाँ पे वो पूर्ण फल देंगी, कहाँ पर वो चौथाई देती हैं, कहाँ पर आधा देंगी और कहाँ पर वो तीन पद का वो फल देती हैं, ये सब के बारे में आपको बताएंगे। यानी प्राशन की जो मैथड है ग्रहों की दृष्टि के बारे में, तो आज तो मैं आपको ग्रहों की दृष्टि के बारे में बताऊंगा। फिर आने वाले भविष्य की जो वीडियो है उसमें फिर भाव की भी दृष्टियां होती हैं, तो भाव की दृष्टियां कहाँ कहाँ पर होंगे उसके बारे में बाद में बताऊंगा। आज आपको हम ग्रहों की दृष्टियों के बारे में बता रहे हैं, जो पराशर जी महाराज ने बताया है कि जो भी ग्रह अपने से तीसरे या दसवें बैठा, कोई भी ग्रह अपने जहाँ बैठा वहाँ से तीसरे दसवें में हो तो वहाँ एक पाद दृष्टि होती है, एक क्षण की। तो वहाँ क्या फल होता है दृष्टि का, 1/4 फल, यानी 25% का वो फल वहाँ होता है। इसी तरह कोई ग्रह जहाँ बैठी है तो वहाँ से पांचवें दसवें कोई भाव में कोई ग्रह बैठी है तो वहाँ उसको वो 2 पाद दृष्टि से देखता है, यानी उसको जो भी बल है वो उसको आधा बल प्राप्त होता है, उसे कहते हैं 50% का दृष्टि रहती है। कोई ग्रह चौथे आठवें भाव से में कोई ग्रह बैठी है तो वो जो ग्रह देखेगा उसको वो 3 पाद दृष्टि से देखेगा, यानी 75% समझो इसकी दृष्टि रहती है। जैसे मंगल है अपने से चौथे आठवें को भी देखता है, वो मैं आपको भी बताता हूँ, तो ये समझ लो कि 3 पाद दृष्टि से देखता है। लेकिन सभी ग्रह, ये ध्यान रखें, ये जो है कि सभी ग्रह अपने स्थान से तीसरे दसवें 1 पाद दृष्टि से, पाँचवें दसवें 2 पाद दृष्टि से और चौथे आठवें में 3 पाद दृष्टि से दृष्टि रखते हैं, और सभी ग्रह सातवें भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, यानी वह पूर्ण फल वो करते हैं, चाहे वो शुभ फल हो या अशुभ फल हो, तो पूर्ण दृष्टि। तो हमें ध्यान रखना चाहिए पूर्ण दृष्टि और ये 3 पाद दृष्टि का तो विवेचन जरूर करना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए फलित करते समय, इसका ध्यान रखो। कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनको विशेष दृष्टियाँ प्राप्त हैं। कौन कौन सी ग्रह जिनको विशेष दृष्टियाँ प्राप्त हैं, जैसे कि आपका बृहस्पति है, बृहस्पति को सप्तम के अलावा, सप्तम भाव में पूर्ण दृष्टि है ये सभी ग्रहों को, इसके अलावा उन्हें 5वें और 9वें स्थान को देखने की पूर्ण, वहाँ 5वें 9वें भाव को देखेंगे तो वहाँ भी ये पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, कहने का मतलब ये होगी कि 5, 7, 9 ये 3 भाव बृहस्पति के हैं जहाँ पर इनकी पूर्ण दृष्टि रहती है। इसी तरह मंगल का है, सप्तम तो पूर्ण दृष्टि है ही है, 7वें भाव तो पूर्ण दृष्टि सभी ग्रह की होती है, उसके अलावा मंगल को जो विशेष दृष्टि प्राप्त है वो 4वें और 8वें, मंगल को 4वें और 8वें भाव में भी पूर्ण दृष्टि का पूर्ण दृष्टि उसको प्राप्त है, तो मंगल जहाँ भी बैठेगा उस स्थान से 4वें 8वें को भी और 7वें भाव को भी वो पूर्ण दृष्टि से देखेगा। शनि को है, शनि को विशेष दृष्टि प्राप्त है, शनि को कहाँ प्राप्त है, 3रे और 10वें, जहाँ भी शनि बैठेगा वहाँ से 3रे स्थान को 10वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। सप्तम को तो देख ही रहा है पूर्ण दृष्टि से, सभी ग्रह देखते हैं, उसके अलावा 3रे और 10वें भाव को भी शनि पूर्ण दृष्टि से देखता है। रह गया राहु, राहु जो है अपने स्थान से 5वें और 7वें पूर्ण दृष्टि से देखता है, लेकिन बहुत से आचार्यों का मतलब है कि 5वें और 7वें तो देखता ही देखता है, लेकिन 9वां और 12वीं दृष्टि भी इसकी होती है। मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ, मैंने बहुत सी विवेचन करी है, कई कुंडलियों पर इसको देखा हुआ है कि अगर आप 9-12 भी देखेंगे राहु की दृष्टियाँ तो वहाँ पर ये फल देता है और बहुत अच्छे कहते हैं रिजल्ट आता है। जब मैंने लोगों को भविष्यवाणियाँ करी 9वीं और 12वीं दृष्टि के अनुसार, वो एकदम सटीक रही, लोगों ने कहा हाँ पंडित जी मुझे ये प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब है कि आप राहु की 5वीं 7वीं 9वीं 12वीं दृष्टियाँ भी देखिए। आप लोग को तो शायद 5, 7, 9 ही देखते हैं आप लोग, लेकिन 12वीं दृष्टि का भी आप विवेचन करना सीखिए, उसको जो फलित होता है, जो आगे बाद परिणाम आएंगे वो एक अतुलनीय होंगे, एक नई चीज़ आपकी खोज की ली रहेगी, ये आप ध्यान रखें। बहुत से लोग केतु की दृष्टि नहीं मानते, वो कहते हैं भाई राहु तो सर हो गया, केतु सर धड़ हो गया, केतु दृष्टि नहीं होती, लेकिन ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। केतु की दृष्टि जो राहु की दृष्टियाँ हैं वही केतु की दृष्टियाँ भी आप लोग माना करें, ये 5, 7, 9, 12 वही केतु की दृष्टि है, वही राहु की दृष्टि है। ये तो हो गई दृष्टियाँ आपको कैसे देखनी है, जहाँ पर ग्रह बैठी होगी
कुरुक्षेत्र सप्तम, ये देख लीजिए बृहस्पति का तीन जगह देख रही, पूर्ण दृष्टि देखेगा। पूर्ण दृष्टि तो आप लोग कर इसकी ध्यान रखिए कि ये चाहे याद ना हो बाद वाली, लेकिन जो पूर्ण दृष्टियाँ कम से कम उसे तो आप लोग याद कंठस्थ कर लीजिए कि बृहस्पति अपने स्थान से 5, 7, 9 भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। शनि जो है अपने स्थान से 3, 7, 10 पूर्ण दृष्टि से देखेगा। मंगल भी अपने स्थान से 4, 7, 8 भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। और राहु और केतु जो है अपने स्थान से 5, 7, 9, 12 इन स्थानों को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। जो पूर्ण दृष्टि देखें तो पूर्ण फल देंगे, वो चाहे शुभ हो या शुभ हो, जो भी फल है वो पूर्ण दृष्टि से ही देखेंगे। अब आपको हम ये बताते हैं एक ग्रहों पे, किसी कुंडली में ग्रह बैठी हैं तो आप देखोगे कैसे, तो आपको एक उदाहरण के तौर पर समझा देता हूँ। ये सिंह लग्न की कुंडली है और सिंह लग्न की कुंडली में बृहस्पति कन्या राशि में केतु के साथ बैठा द्वितीय भाव में, तृतीय में चंद्रमंगल बैठा हुआ है, पंचम में बुध है, छठे भाव में सूर्य, सप्तम में शुक्र और अष्टम में शनि और राहु। तो हमें देखते हैं बृहस्पति, जैसे मैंने बताया कि बृहस्पति अपने स्थान से कहाँ कहाँ देखता है। एक तो पांचवी दृष्टि होती है इसकी, तो इसकी पांचवी दृष्टि ये होगी, फिर बृहस्पति की सातवीं दृष्टि ये आएगी, और 5, 7, 9 दृष्टि, एक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 9वीं दृष्टि इसकी ये आ जाएगी। तो बृहस्पति जहाँ बैठा है तो वहाँ से उसकी दृष्टियाँ कहाँ कहाँ जाएंगी, 5वें, 7वें, 9वें भाव को। ये बृहस्पति अपने जहाँ भी बैठेगा उस स्थान को देखेगा। केतु की भी यही दृष्टि है, 5, 7, 9 उसकी भी है। बृहस्पति साथ केतु बैठा है तो केतु की भी दृष्टियाँ कहाँ कहाँ जाएंगी, पंचम में, पांचवी दृष्टि यहाँ जाएगी छठे भाव पे, और यहाँ केतु की जो सप्तम दृष्टि है वो अष्टम भाव में आएगी और पंचम दृष्टि भी इसकी यहाँ यहाँ आ जाएगी। तो यह समझ लीजिए किन ग्रहों की, जब बृहस्पति बैठा है तो केतु और बृहस्पति की जो दृष्टियाँ पड़ेंगी पांचवी, सप्तम और नवम दृष्टियाँ ये आ गई। तो इस तरह से आप दृष्टियाँ देखेंगे कि कौन सी ग्रह की कहाँ दृष्टि जा रही है। ये तो हो गया बृहस्पति का। आप चंद्र मंगल का जानते हैं, चंद्रमा की दृष्टि केवल एक होती है, जहाँ बैठेगा वहाँ से सप्तम भाव को देखेगा। तो चंद्रमा जहाँ बैठा है वहाँ से ये सप्तम भाव यानी नाइन्थ भाव को ही देखेगा। मंगल कहाँ कहाँ देखेगा, मंगल जहाँ चंद्रमा देख रहा है दोनों एक साथ बैठे तो नवम भाव को दोनों ही देखेंगे, चंद्र मंगल दोनों देखेंगे। लेकिन मंगल की चौथी दृष्टि भी होती है, तो 1, 2, 3, 4 यानी मंगल की एक दृष्टि यहाँ भी होगी, और मंगल 7 के बाद अष्टम भाव को भी देखता है, तो मंगल की एक दृष्टि हमारी ये यहाँ पर भी होगी, 10वें भाव पे भी होगी। तो ये आप समझ लीजिए कि ग्रह कहाँ बैठी है और कहाँ कहाँ की दृष्टियाँ जा रही हैं। तो इस भाव पर पूर्ण प्रभाव का पड़ेगा, चाहे शुभ है या अशुभ है। वो तो अभी हम बात को जब आपको फरीद बताएंगे, दृग्बल वगैरह निकालेंगे, तब हम आपको बताएंगे कितना शुभ कितना अशुभ है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी आप देख लीजिए मंगल बैठा है तो कहाँ कहाँ जाएगा, चौथी दृष्टि कहाँ आ गई, छठे में, मंगल की सप्तम दृष्टि नवम में, और मंगल की अष्टम दृष्टि आ गई दशम भाव में। ये सब ग्रह की दृष्टि। अब बुध बैठा हुआ है पंचम भाव में, तो बुध की एक ही दृष्टि है केवल सप्तम, जो प्रत्येक ग्रह है इसकी जो विशेष दृष्टि इसको नहीं प्राप्त है, तो केवल ये सप्तम दृष्टि देख लीजिए, बुध की सप्तम दृष्टि सीधा एकादश भाव में। तो बुध की जो है डायरेक्टर जो है एकादश भाव को ये देखेगा। ये आप समझ लीजिए सूर्य है, सूर्य को भी कोई विशेष दृष्टि नहीं प्राप्त है, तो ये भी अपने से सप्तम भाव को, तो यहाँ से सप्तम भाव का होगा सूर्य से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी द्वादश को, छठे भाव में बैठा है, ये द्वादश भाव को पूर्ण दृष्टि से सूर्य यहाँ देखेगा। शुक्र को भी विशेष दृष्टि नहीं प्राप्त है, तो ये भी अपने से लग्न जहाँ बैठा सप्तम भाव को बैठा हुआ है, तो ये सीधे लग्न भाव को देखेगा। सातवीं दृष्टि इसकी लग्न पर होगी। शनि बचा था, शनि शनि की हमने बताया है कि शनि की जो दृष्टि होती है तीसरी, जहाँ ये बैठा वहाँ तीसरा भाव 1, 2, 3, तो शनि की एक दृष्टि तो यहाँ आई। शनि की सप्तम दृष्टि अष्टम में बैठा हुआ है तो द्वितीय भाव को जाएगी, यहाँ पे आ गई द्वितीय भाव में शनि की दृष्टि, और इसकी दसम दृष्टि कहाँ पड़ेगी, इसकी पंचम भाव।
यहाँ भी पंचम भाव, इसकी दूसरी दृष्टि पंचम भाव में। तो ये ध्यान रखो शनि जहाँ बैठा है तो उसने कौन कौन से भाव को देखे, दशम को, धन भाव को, द्वितीय भाव को और पंचम भाव को। राहु की दृष्टि क्या है, अब राहु की दृष्टि आप लोग समझे कैसे करेगा कि राहु की वक्र दृष्टिया होती है। यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना है, सभी ग्रह तो मार्गी होते हैं लेकिन राहु हमेशा हमेशा वक्री चलता है। तो राहु की दृष्टि क्या चलेगी जहाँ बैठा हुआ था, एक दो तीन चार पाँच, तो राहु की पहली दृष्टि यहाँ आएगी चौथे भाव पर। इस राहु की पहली दृष्टि चौथे भाव पर आएगी और राहु की सप्तम दृष्टि कहाँ चली जाएगी, सप्तम दृष्टि सीधे द्वितीय भाव को, द्वितीय भाव पर प्रभाव डालेगा। नवम दृष्टि इसकी कहाँ जाएगी, द्वादश भाव में। नवम दृष्टि इसकी कहाँ आएगी, द्वादश भाव में। और लगभग अगर लोग मानते हैं बारहवीं दृष्टि तो भाग्य पर भी पड़ती है, लेकिन ये तीन दृष्टियाँ को आप विशेष ध्यान रखेंगे कि राहु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, एक दो तीन चार चौथे भाव पर जाएगी, राहु की पांचवी दृष्टि चतुर्थ भाव पे, सातवीं दृष्टि द्वितीय भाव पे और नवम दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ेगी। इस तरह हम ग्रहों का जो ग्रह जहाँ से बैठी हैं उसकी हम दृष्टियाँ इस तरह से ज्ञात करते हैं कि कहाँ वो कहाँ पे वो देख रहे हैं। ये तो ग्रहों की दृष्टियाँ क्यों हो गई। अब हमको ये देखना है कि ग्रहों का बता दिया, अब आपको वो आपके समझ में नहीं आया था, मैं इसको दोबारा बना दे रहा हूँ कि आप लोग देखेंगे कैसे। मेरा था गुरु केतु चंद्र मंगल बुध सूर्य शुक्र शनि राव पाँच छ सात नौ दस ग्यारह बारह एक दो तीन चार, ये कुंडली थी आपकी। अब हमको ये देखना है कि ग्रहों का कैसे होता है कि कोई भी ग्रह किसी भाव विशेष का शुभ अशुभ फल दृश्य बल के अनुसार ही प्राप्त होता है। ये सूत्र है इसके, सूत्र पहला सूत्र क्या है कि कोई भी ग्रह किसी भाव विशेष का शुभ या अशुभ फल दृष्टि बल के अनुसार ही प्रदान करता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ हम बृहस्पति को ही ले रहे हैं कि बृहस्पति जिस भाव कोई भी ग्रह किसी भाव विशेष का शुभ या शुभ फल कैसे हो गया, जैसे ये बैठा हुआ कहाँ बैठा हुआ, धन भाव में बृहस्पति बैठा धन भाव में। अब धन भाव का शुभ है या शुभ फल क्या देगा, बृहस्पति जहाँ क्या है योग कारक है क्योंकि ये त्रिकोण का स्वामी है, त्रिकोण का स्वामी होने से ये बलि हुआ, ये बलि होने से ये शुभ फल देगा। और इच्छा सुख फल क्या होगा कि इसकी दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ेगी, इसकी दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पर। यानी कहने मतलब ये इसके आदमी के जीवन में कभी कोई कर्ज वर्जा की स्थिति नहीं आएगी क्योंकि छठे भाव को देख रहा है। सो योग कारक है तो अष्टम, और ये अष्टम शनि के ऊपर दृष्टि पड़ेगी, यहाँ ग्रह के छठ अष्टम भाव यहाँ प्रदान करेगा, ग्रहों पर भी असर पड़ेगा क्योंकि गुरु योग कारक है शनि पर है। तो यहाँ जो शनि की जो जब बृहस्पति की दृष्टि शनि पड़ जाएगी तो शनि अपना शुभ फल नहीं दे पाएगा, बृहस्पति की दृष्टि कहाँ पड़ेगी कर्म पर, तो इसके कर्म को प्रभावित करेगा। यानी जो ग्रह शुभ कारगर ग्रह बैठ गई है उसकी दृष्टि जिन जिन भाव में पड़ेगी वो उसी के अनुसार वो फल देगा, वो शुभ है या शुभ है उस ग्रह पे के बल पर निर्भर करेगा, वो बल कि वो ग्रह योग कारक है या नहीं है। जैसे बृहस्पति यहाँ योग कारक है तो जहाँ जहाँ इसकी दृष्टि पड़ेगी वहाँ योग कारक नहीं शुभ दृष्टि पड़ेगी। अब यही आप समझ लीजिए कि शनि क्या है, यहाँ इसी का उदाहरण उल्टा हम कर देते हैं कि शनि यहाँ छठे घर का और सप्तम का स्वामी है, छठे अरित्रिक का स्वामी है और बैठा भी अष्टम में, लेकिन अष्टम में सुख नहीं माना जाता। लेकिन ध्यान रखो दुख का स्वामी दुख में है तो सुख की कल्पना नहीं होती, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाने से ये अपनी अशुभता में कमी कर देगा। अरे शनि जो अपना पूर्ण अशुभ फल नहीं देगा, परेशान तो कर सकता है दिक्कत दे सकता है, लेकिन ये है कि अपना पूर्ण अशुभ फल ये नहीं देगा। अब दूसरा सुन लीजिए, दूसरा सूत्र क्या कहता है कि बलवान ग्रह अपने स्वभाव के अनुसार जिस भाव में रहता है उस भाव के अनुसार फल प्रदान करता है। वो मैंने आपको बता दिया जैसे बलवान ग्रह ये है। दूसरा कोई उदाहरण ले लेते हैं कि इस घर में दूसरा बलवान ग्रह क्या है, कौन सा है, नवम का स्वामी मंगल। मंगल कहाँ बैठा हुआ, पराक्रम में।
अगर मंगल ये बलवान ग्रह हमारा है और ये जहाँ भी तब हम अपने स्वभाव के अनुसार, दूसरा सूत्र कह कि बलवान ग्रह अपने स्वभाव के अनुसार, मंगल का स्वभाव हम लोग जानते हैं पराक्रमी होता है, बैठा भी पराक्रम में, तो ये अपने पराक्रम से इसकी दृष्टि कहाँ पड़ेगी, छठे भाव, छठा है शत्रु का, तो ये अपने पराक्रम से अपने शत्रु का समन करेगा, अपने इसकी फिर दृष्टि मंगल की कहाँ पड़ेगी, भाग्य पे, तो यह बच्चा अपने भाग्य का निर्माण भी अपने पराक्रम से करेगा, और इसकी दृष्टि कहाँ, कर्म स्थान पे, अपने कर्म के द्वारा अपने भाग्य को, अपने शत्रुओं का ये दमन करेगा। तो ये समझ लीजिए कि कौन सा ग्रह योग कारक है, वो अपने स्वभाव के अनुसार ही जैसे इसकी दृष्टियाँ पड़ रही है, कहाँ कहाँ पड़ी, शत्रु पर, तो शत्रुओं का स्मरण करने वाला, भाग्य को बनाने वाला, कर्म को बढ़ाने वाला, तो जहाँ जहाँ दृष्टियाँ पड़ेंगी उस तरह की उसको वो फल देता चला जाएगा। और यही है दूसरा समझ लीजिए, इसका तीसरा सूत्र क्या है कि शुभ ग्रह पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो शुभ फल अपना पूर्ण अशुभ फल नहीं दे पाता। अच्छा, शुभ ग्रह पाप ग्रहों से दृष्ट हो, आप जैसे शुभ ग्रह पाप ग्रहों से कैसे दृष्ट है, अभी मैंने आपको उदाहरण समझाया था कि जैसे शनि ये शुभ ग्रह समझ लो बृहस्पति है, अब क्या है कि शनि की दृष्टि और राहु की दृष्टि बृहस्पति पड़ गई, तो राहु की दृष्टि पड़ने से चंडाल योग बना देगा, राहु गुरु का चंडाल योग बन जाएगा, शनि की भी दृष्टि बृहस्पति पर रहे, तो यहाँ बृहस्पति किसका कारक है, विद्या बुद्धि का और अष्टम का लॉर्ड। कहने का मतलब ये हो गया कि विद्या बुद्धि विवेक का जो कारण है, ये जो शनि और राहु है इनकी दृष्टि पड़ने से बृहस्पति त्रिकोण का स्वामी होने के बावजूद भी धन भाव बैठा स्थिति सही है, लेकिन पूर्ण फल अपना नहीं दे पाएगा, अपनी पूर्ण शुभता वो नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसके ऊपर ये दोनों पाप ग्रहों की दृष्टि है। तो ये कहा गया है कि कोई भी शुभ ग्रह अगर पाप ग्रहों से दृष्ट हो जाए तो जो शुभ ग्रह है वो अपना शुभ फल नहीं दे पाता, जैसे इसमें बृहस्पति अपना शुभ फल नहीं दे पाएगा। दूसरा क्या कहा गया है कि अगर पाप ग्रह शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, कोई पाप ग्रह शुभ ग्रहों से दृष्ट हो जाए तो जो पाप ग्रह है वो अपना दुष्ट प्रभाव नहीं दे पाएगा, अशुभ फल नहीं दे पाएगा। उसी का उदाहरण उल्टा समझ लीजिए कि जैसे शनि राहु थे उन पर किसकी दृष्टि पड़ गई, बृहस्पति और केतु की, बृहस्पति केतु बने, केतु जो है बृहस्पति के साथ योग कारक हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ बृहस्पति केतु दृष्टि पड़ने से ये जो शनि राहु है अष्टम में बैठे हुए इसका अहित नहीं कर पाएंगे, परेशान तो कर सकते हैं लेकिन ये भी अपने दोनों ये ग्रह जो है अपना पूर्ण अशुभ फल नहीं दे पाएंगे। तो इस तरह से आप पूर्ण कैसे फलित करेंगे दृष्टियों का, तो ये सूत्र भी आप लोग याद रखें, दृष्टियाँ कहाँ कहाँ देखी जाती हैं, कहाँ फल देती हैं, पूर्ण दृष्टियाँ होती हैं वो आपको बता दिया, कुंडली में आप कैसे देखेंगे वो बता दिया, ये सूत्र कैसे आप प्रयोग करेंगे, आपको वीडियो कैसे लगी और उसको आप बताते रहिएगा। जैसे आप लोगों ने कमेंट भी किया था कि हमें दृष्टि के बारे में गुरु जी बताइए, तो उसलिए आपको वीडियो डाल दी दृष्टि के बारे में कि दृष्टि संबंधित एक वीडियो आपको दे दी। वीडियो आपको कैसी लगी, आपको अगर पसंद आती है तो उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए, अपने मित्रों को जोड़िए, और इसी तरह मैं आप लोग कमेंट करते रहिए, आपको जो भी जानकारी चाहिए वो दृष्टि संबंधी है, एक दृष्टि संबंधी आपको बता दी, ये तो प्रासन जी का मेथड है। अभी जैमिनी का मेथड है कि भावों की दृष्टि, जैसे ग्रहों की दृष्टि है ऐसे भावों की दृष्टियाँ होती है, उसको भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा, उसे भी आप लोग देखिएगा, और तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।